नमस्कार आदाब, सत श्री अकाल। रिंकू यादव स्टोरी में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मैं एक बार फिर आप सबके बीच हाजिर हूँ एक नई और सच्ची घटना के साथ। आज की जो ये कहानी है, ये जो घटना है, यह एक ऐसे नाबालिग लड़के के ऊपर है जो नाबालिग रहते हुए जुर्म की दुनिया में कदम रखता है और जब बालिग होता है तो उसकी हत्या हो जाती है, मर्डर हो जाता है। आज बात करेंगे हिंदुस्तान के सबसे छोटे डॉन की, जो सबसे कम उम्र में अपनी दहशत के बल पर ना सिर्फ उस क्षेत्र में, उस शहर में, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में चर्चा का विषय बन गया था और आज भी उसके नाम पर गैंग एक्टिव है और उसके नाम पर आज भी इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अकाउंट है जिससे पोस्ट होती हैं और बहुत सारा लाइक्स और कमेंट्स मिलता है। तो बात करेंगे आज एक ऐसे डॉन की जिसकी मौत होने के बाद उसकी माँ बाप दोनों हाथ जोड़कर और भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि भगवान किसी को ऐसा लड़का ना दे। तो आज की मैं सच्ची कहानी शुरू करूँ, इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो आज की यह सच्ची घटना है दुर्लभ कश्यप। जो दुर्लभ कश्यप मात्र 15 साल की उम्र में जुर्म की दुनिया में कदम रखता है और 20 साल का जब वो होता है तो उसकी मौत हो जाती है। यह 15 साल और 20 साल, इस 5 सालों में वह ना सिर्फ उस शहर, उस क्षेत्र में अपना नाम कमाया था गैंगवार के रूप में, एक डॉन के रूप में, बल्कि पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया था। इसका जन्म मध्य प्रदेश का एक जिला है उज्जैन। उज्जैन में जीवाजीगंज इलाके में इसका जन्म होता है। इसके माँ बाप माँ टीचर थी और इसके बाप भी सरकारी कर्मचारी थे। दोनों ने बहुत ही सोच विचार करके इसका नाम रखा दुर्लभ कश्यप। इन लोगों को लगता था कि बेटा कुछ अलग करेगा, कुछ दुर्लभ करेगा, तो वो किया तो जरूर, लेकिन जो काम वो किया वह पूरे शहर के लिए, पूरे परिवार के लिए नासूर बन गया था। 14 साल तो बहुत ही आराम से कटती है उसकी पढ़ाई लिखाई के साथ, माँ के साथ ही रहता था उज्जैन में। 14 साल के बाद जैसे ही 15 साल लगता है, उसके अंदर धीरे धीरे परिवर्तन होना शुरू हो जाता है और वह कुछ गलत संगति पकड़ लेता है और उसके अंदर एक ये भाव उत्पन्न होता है कि पूरे देश का सबसे बड़ा डॉन मैं बनूंगा। और यही सोच करके वह जुर्म की दुनिया में कदम रख देता है और 2015 से जब उसकी उम्र 15 साल होती है तभी वह सोशल मीडिया पर, फेसबुक इंस्टाग्राम पर अपना पोस्ट डालना शुरू करता है हथियार के साथ और अपने पोस्ट के थ्रू ये बताने की कोशिश करता है कि कोई भी किसी भी तकलीफ में रहे, कोई डॉन उसको परेशान करता है, कोई हफ्ता वसूलता है, किसी का झगड़ा हो बीच बचाव करने के लिए, तो दुर्लभ कश्यप से संपर्क करें। इस प्रकार से वह अपने गैंग की शुरुआत करता है सोशल मीडिया के थ्रू। देखते ही देखते इतना फेमस होता है वह युवाओं में कि छोटे उम्र के लड़के पढ़ाई लिखाई छोड़ के उसके गैंग में शामिल हो जाते हैं और देखते ही देखते 2016 में उसकी गैंग पूरी तरीके से बन के तैयार हो जाती है और उज्जैन में धीरे धीरे उत्पात मचाना शुरू कर देती है। कहीं हफ्ता वसूली तो कहीं मारपीट, तो कहीं मतलब शुरू हो जाता है उसका उत्पात मचाना। धीरे धीरे ये लोग अब पुलिस के निगाह में भी आना शुरू हो गए थे यहीं से और पब्लिक के निगाह में भी ये लोग आना शुरू हो गए थे। अब उज्जैन में एक प्रकार से पूरी तरीके से दुर्लभ गैंग का एक पकड़ हो चुका था, जिसको चाहते थे मारते थे, पीटते थे, हफ्ता वसूली करते थे, बीच बचाव भी करते थे। अगर कोई दूसरा तीसरा गैंग आकर के किसी को परेशान करता था तो ये लोग बीच में जाकर के, मतलब अपना क्षेत्र है ये बोल करके बीच बचाव भी करते थे और उस गैंग को उज्जैन से भगाते भी थे कि ये हमारा क्षेत्र है। और इन लोग का एक मतलब जैसे कॉरपोरेट कंपनी का एक ड्रेस होता है, एक ड्रेस कोड, उस प्रकार से इसका एक
ड्रेस कोड भी था। तो जैसे इसका ड्रेस कोड था, जो माथे पर तिलक था, आंखों में सुरमा और कंधे पर काला गमछा, ये इसका ड्रेस कोड था। इसके गैंग वाले ये तीनों हमेशा लगा के रखते थे, मतलब माथे पर तिलक हो, काला गमछा हो कंधे पर, ये सब लगा के घूमते थे, आंखों में सुरमा, ये इसके गैंग का मतलब एक प्रकार से पहचान था। मतलब ये तीनों अगर किसी भी लड़के के अंदर दिखता तो समझ जाओ ये दुर्लभ गैंग है। अब धीरे धीरे करके इन लोगों में अहम उत्पन्न हुआ और गरीबों को भी सताना शुरू किया, दुकानदारों से हफ्ता वसूली शुरू किया। 18 साल की उम्र जाते जाते इसका इसके ऊपर 9 केस दर्ज हो चुका था। अब पुलिस के निगाह में भी ये लोग पूरी तरीके से आ चुके थे और दुश्मन भी बन गए थे गैंगवार। अब अलग गैंग वाले मतलब इसके टारगेट पर रहते थे और वो लोग भी इसको टारगेट पर रखते थे। तो इस प्रकार से गैंगवार भी अब धीरे धीरे उज्जैन में होने लगा। और इसका सपना था कि ना सिर्फ उज्जैन, मध्य प्रदेश, बल्कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा डॉन बनना है हमको। अब यही करते करते अच्छे खासे सोशल मीडिया के थ्रू प्रचार हुआ इसके जब गैंग का, तो बहुत सारे लड़के इसके गैंग में जुड़ गए। कहा यह भी जाता है कि 1500 से 1600 लड़के इसके गैंग में उस टाइम जुड़े थे। उसके बाद 2018 में अक्टूबर में इसको पुलिस गिरफ्तार करती है इसके 23 साथियों के साथ और इसको जेल भेज देती है। 2020 में ये छूट करके बाहर आता है और बाहर आने के बाद भी इसके गैंग का वही रुतबा रहता है, मारपीट करना, हफ्ता वसूली करना, यही सब शुरू रहता है। एक दिन 6 सितंबर को रात को ये 12 बजे खाना पीना खा कर लेटा हुआ था अपने माँ के साथ, इतना में उसके कुछ साथी आते हैं बाइक से और उसको आवाज़ देते हैं, ये उठकर बाहर जाता है और वो लोग इसको बोलते हैं कि चलो बाहर घूम कर थोड़े आते हैं मार्केट से। अब यह उन साथियों के साथ निकल जाता है अपने मार्केट घूमने के लिए। मार्केट में जाता है तो एक गैंग से इसकी टकरार हो जाती है। अब दोनों में कहा सुनी होता है, बात इतनी चली जाती है आगे तक कि वो जो गैंग थे वह लोग ज़्यादा थे और ये लोग कम थे और इन दोनों में तुरंत लड़ाई झगड़ा भी शुरू हो जाता है। बस उस गैंग वालों ने इसके ऊपर हमला करते हैं और चाकू से 34 वार करते हैं इसके शरीर पर, 34 चाकू मारते हैं इसको, पूरे शरीर इसकी छलनी छलनी हो जाती है, मारकर भाग जाते हैं। 6 सितंबर 2020 को दुर्लभ कश्यप की मौत हो जाती है। अब उसके बाद इसकी गैंग कुछ दिनों के लिए तो ठंडी पड़ जाती है क्योंकि मेन सरगना जो था दुर्लभ कश्यप ही था, जो नींव रखा था इस गैंग का, उसकी मौत हो जाती है। तो जो इसके साथी थे वो भी डर जाते हैं, सहम जाते हैं और कुछ दिनों के लिए शांत बैठ जाते हैं। लेकिन 25 जुलाई 2022 इसी सोमवार को भी सोशल मीडिया पर दुर्लभ कश्यप नाम के पेज से एक पोस्ट होती है जिसमें इंसास राइफल के साथ कुछ लड़के दिखाई देते हैं और उसके साथ एक सस्पेंडेड पुलिस वाला भी रहता है। अब जैसे ही यह पोस्ट वायरल होती है उज्जैन में, पुलिस का कान खड़ा हो जाता है क्योंकि यह जो इंसास राइफल है यह केवल पैरामिलिट्री फोर्स के पास होता है। अब सवाल यह उठता है कि यह राइफल इन लोगों के पास आया कैसे। अब पुलिस फिर एक्टिव हो गई है इनको पकड़ने के लिए। अब देखिए कब तक यह पुलिस के हाथ आते हैं। और कहा यह भी जा रहा है कि धीरे धीरे ये दुर्लभ कश्यप गैंग फिर से एक्टिव हो रही है, इस वजह से पुलिस का सरदर्द फिर बढ़ गया है। और सबसे ज़्यादा तो सरदर्द बढ़ा है वो पोस्ट को लेकर के जो अभी सोमवार 25 जुलाई 2022 को हुई है। उसमें कुछ लड़के हैं और एक सस्पेंडेड पुलिसकर्मी भी है, उनके हाथ में इंसास राइफल दिखाई दे रहा है जो कि आम लोगों को मिलता ही नहीं है, वह केवल पैरामिलिट्री फोर्स के पास होता है। अब सवाल यही है, अब वो लोग पुलिस के हाथ लगेंगे तो उन लोगों से सवाल यही पहला होगा कि ये राइफल उन लोगों के पास कैसे आया। और ये इतना चर्चित हो गया था अपने ड्रेस कोड को लेकर के, और ये लोग कोई भी हत्या करने जाते थे तो सबसे पहले महाकाल का नाम लेते थे और हत्या करने के बाद भी महाकाल का नाम लेते थे। मतलब कोई भी घटना को अंजाम देने से पहले महाकाल का नाम लेते थे और घटना को अंजाम देने के बाद भी महाकाल का नाम लेकर वहाँ से जाते थे। तो इन लोगों वो इतना चर्चित हो गया था दुर्लभ कश्यप कि उसके ऊपर एक मूवी भी बन रही है, बहुत जल्द आप लोग के बीच आएगी।
तो ये थी आज की कहानी उस दुर्लभ कश्यप की, जो हिंदुस्तान का नाबालिग डॉन था, हिंदुस्तान का सबसे छोटा डॉन था, और शायद अगर वह कुछ दिन और रह जाता तो यह कहना गलत नहीं होगा कि वह बहुत आगे तक निकल जाता। तो इस कहानी को बताकर यही समझाना आप लोगों को है कि गलत काम का हमेशा गलत नतीजा ही होता है, शॉर्टकट कभी नहीं अपनाना चाहिए और गलत रास्ते पर कभी नहीं जाना चाहिए। उन माँ बाप को भी इसमें सीख है कि अपने बच्चों के ऊपर काबू रखें, कंट्रोल करें, किसके साथ घूम रहे हैं, इसका दोस्त कौन है, संघाती कौन है, इस सब पर भी बहुत ध्यान दें, क्योंकि लड़के बिगड़ते दोस्त से ही हैं। एक दोस्त दूसरे दोस्त को बताएगा, तीसरे दोस्त को बताएगा, उनका मन भी करेगा, फिर करते करते आदत हो जाती है, फिर जुर्म की दुनिया में कदम रख देते हैं। तो इसलिए माँ बाप को भी अपने बच्चों पर कंट्रोल करना चाहिए और देखना चाहिए कि बच्चा कहीं ऐसा संगति में न पड़े जिससे इसकी खुद की लाइफ और पूरे परिवार की लाइफ बर्बाद हो जाए। तो ऐसे ही और भी घटना सुनने के लिए हमारे चैनल रिंकू यादव स्टोरी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।